मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने एक और खास रिपोर्ट वाराणसी से आपके लिए भेजी है, देखिए। चिलाना पिछले माता अन्नपूर्णा का प्रसाद ये बताइए कितना कुछ बदला यहाँ पर। इधर मंदिर में बहुत कुछ बदला, इधर कुछ नहीं बदला। उधर मंदिर में ही पूछ रहा हूँ क्या बदला है। पूरा विकास हो गया, उधर चौड़ा हो गया है। पहले कैसा था? पहले एकदम सकड़ा में था, फूले में था, जैसा इधर है वैसे उधर था। पर एक काम इधर गलत हुआ, यहाँ जो बना स्मार्ट सिटी, यहाँ पानी निकलने का साधन नाली नहीं बना है, बहुत दिक्कत होता है यात्री को आने जाने में। ठीक है, तो ये भी बन जाना चाहिए, इसकी भी बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष है। आशुतोष, आपने इतने साल यहाँ रिपोर्टिंग की है, एक रिपोर्टर के नजरिए से बताइए, जो यहाँ पहले देखते थे अब देख रहे हैं, और ऐसी गलियों में जो जिंदगी हुआ करती थी और अब वहाँ जो बदला है। बिल्कुल, यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं, पहले सिर्फ हम एक परंपरा देखते थे, एक अध्यात्म देखते थे, लेकिन अब जो है अध्यात्म और परंपरा के साथ हम आधुनिकता का संगम भी देखने को मिल रहा है। मसलन ऐसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर जब सांसद चुने गए, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय सिर्फ चार रास्ते थे बाबा के दरबार में जाने के लिए, और तीन उसमें से ऐसे रास्ते थे जो बेहद सक्रिय गलियों से होकर जाते थे। मतलब उन गलियों में अगर एक बाइक आ जाए और कुछ एक लाइन लग जाए तो फिर दूसरे लोगों को जाने की जगह नहीं होती थी। तो प्रधानमंत्री ने ये जब देखा कि लोग जो गंगा जल लेते हैं और उन्हें बाबा के दरबार में जाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने उन श्रद्धालुओं के दर्द को समझा, जाना, और उसके बाद एक जो पूरी परिकल्पना थी काशी विश्वनाथ धाम की उसकी की, और इसके बाद जो बाबा का जो धाम का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें सबसे जो बड़ी बाधा थी वो यहाँ के जो मंदिर के आसपास जो मकाने थे उनका अधिग्रहण करना, क्योंकि लोगों की ये मान्यता थी कि अगर मंदिरों को तोड़ा जाए, क्योंकि घरों को तोड़ा जाता था, तो बहुत सारे ऐसे घर थे जिनमें मंदिर भी थे, और इसके अलावा जो प्रमुख जो मंदिर था उसके आसपास भी बहुत छोटे छोटे विग्रह थे, मंदिर थे। तो जब काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना शुरू हुई, उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये कहा गया कि बहुत सारे मंदिर तोड़े जाएंगे, तो इसको लेकर विरोध भी हुआ। हालांकि बाद में जब धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया तो वो सारी चीजें दूर होती गई, और अब जो बाबा का दरबार है आप देख रहे हैं कितना दिव्य भव्य, और तस्वीरों में वो साफ दिखता है कि कितना परिवर्तन आया। मैं अगर आपको थोड़ा सा और इधर गोपाल अगर आपको दिखाएं, इन गलियों से जब हम जो होते हुए निकल रहे हैं, तो यहाँ अपने आप में एक जिंदगी बसती है, और इस जिंदगी को अगर आपको महसूस करना हो तो आप देखिए कि सुबह के करीब 8 बजने जा रहे हैं, और यहाँ अगर आप इस दुकान में आएंगे तो यहाँ ये शिवलिंग देखकर आपका मन जो है अभिभूत हो जाएगा। इस तरीके से शिवलिंग है, और पूरे दुकान में अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको नजर आती है। सर, कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर है? 4 साल से। ये पहले इसमें दुकानें थी चांदी सोने की, पहले दुकान पहले भी था। अब ये बताइए, 4 साल में जब तक उधर काम नहीं हुआ था तब तक इधर की जिंदगी क्या थी और अब क्या है? पहले तो बहुत अच्छी थी, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले बहुत ज्यादा भीड़ होता था तो कुछ कस्टमर का आना जाना शुरू था, अब लाइनें उधर से रोड से लग जाती हैं, इधर का मेन जो कॉरिडोर है वो बंद कर देते हैं। तो ये भीड़ लगती होगी तो आपके लिए तो बिजनेस के लिए अच्छा है, जितनी भीड़ रहेगी बिजनेस के लिए जाम में फंसे। लेकिन ये है ना, ये दुकानें जब होते हैं ना, जब इधर भीड़ होता है तो वो मेन गेट बंद कर देते हैं। अब जैसे सावन सोमवार होता है तो लोग सोचते हैं काशी में दुकान है तो हम लोग बहुत कमा रहे होंगे, तो ऐसा कि मेन गेट ही बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब ये होना शुरू हुआ कि भाई यहाँ पे ये कॉरिडोर बनेगा, उस वक्त लोगों का सेंटिमेंट क्या था और आज की तारीख में क्या है? क्योंकि कोई भी बदलाव आता है तो विरोध तो होता है अंदर से, तो तब आप लोग क्या बात करते थे और अब क्या बात करते हैं? नहीं, कल हम लोगों का जैसा था वैसा आज भी वैसा ही है। सबको आप पूरा सपोर्ट तक ये होना चाहिए, एकदम किसी को नहीं लगा रहे मेरा घर टूट जाएगा, मेरी पुरानी यादें चली जाएंगी, ये सब तो हुआ होगा? नहीं, लगा तो है लोगों को। अब जहाँ पे लोग बचपन से लेके बुढ़ापा निकाल लिए, लेकिन सबने सोचा बाबा का आशीर्वाद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता है कि, मतलब मैंने कल से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ना करते तो कोई ना करता, ऐसा वाला भाव है, ऐसा लोगों को लगता है क्या? इतने सालों से तो यही है, वो नहीं करते तो वाकई में कोई नहीं करता। इतने सालों से ये प्रोजेक्ट तो हम तो सुनते थे कि काफी समय से ये प्रोजेक्ट था, कितने लोगों के समय में आया, किसी ने नहीं किया। कल तो अखिलेश जी बोल रहे थे मैं ही करने वाला था और मैंने ही किया था। कहाँ किए हैं करना होता, कहाँ किए हैं वो किए, तो करने वाले करते रहते, लेकिन जो जिसने किया उसका ना बात होता है, किया तुम्हारे मोदी जी ने। सही बात है। तो देखिए, कहने वाले कहते हैं, और जब आप कहते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा ये, अब जब हम काशी की गलियों में देखिए, चंदन भी है और रुद्राक्ष भी है, कड़ा भी है, क्या सबसे ज़्यादा लोग लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए?
यहाँ तो ये भस्म में जाता है सबसे ज्यादा, भस्म में सबसे ज्यादा। बाबा का भस्म में ये है, पैकेट में लगे हुए हैं, ये अष्टगंध चंदन वगैरह है जो बाबा का यूज होता है बाबा के ऊपर। चलिए, तो ये काशी की गलियों से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन गलियों को नहीं देखिएगा क्या समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सुन रहे हैं। इस जिंदगी को बदल कर वो बनाया गया है, और जब इस जिंदगी को बदलने की कोशिश की गई थी, आप सोचिए कब से हुई होगी कि महात्मा गांधी भी जब BHU का उद्घाटन हो रहा था तब आए थे भाषण देने के लिए, तब महात्मा गांधी भी बोलकर गए थे कि बनारस में ये समस्या है, गलियों की समस्या है, गंदगी की समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के लिए इतने साल लगे, दशकों लगे, और तब एक व्यक्ति आते हैं नरेंद्र मोदी, और वो निश्चय करते हैं कि जो उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था उसको कुछ करने और बदलने की कोशिश तो की जाए। तो ये बनारस की एक नई सुबह है, बदलाव की सुबह है, और उम्मीद है ये बदलाव देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता भी इसी संकल्प के साथ करेंगे कि हाँ ये हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपाल और मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ सुशांत सिन्हा, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी।